दिनों में वो सारी चीजें होंगी जो हमारे बिजनेस के लिए एक बेहतरीन साबित होगी, हमारे बिजनेस को ग्रो करने में साबित होगी। तालियां लगातार दोस्तों जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सब लोग मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके भाई तालियां बजा। जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों से बात करने वाला हूं, ये सेशन का नाम है लीडरशिप ट्रेनिंग। हम सब लोग यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो किसी ना किसी अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं और आप सबके पास एक साइजेबल टीम है, यानी आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी में नेटवर्क है, क्वांटिटी में लोग हैं। मैं आपको एक बड़ी टीम कैसे संभाली जाती है कि उसका बिजनेस कभी ना रुके और लगातार ग्रो करता रहे, अगला सेशन उसके बारे में। डायरेक्ट सेलिंग में मुझे बहुत सारे ऐसे लीडर्स मिले जिन्होंने मेरे आगे एक समस्या रखी और वो ये समस्या है कि लोग कहते हैं हमारा नेटवर्क ग्रो कर गया और उसके बाद धीरे धीरे कोलैप्स कर गया, धीरे धीरे सेल गिर गई और ऐसा कभी जब मैं खुद डायरेक्ट सेलिंग करता था मेरे नेटवर्क के अंदर भी कुछ टीम लीडर के साथ हुआ था, हमने भी इस पीड़ा को अनुभव किया हुआ है। ये बड़ा पीड़ादायक होता है कि आप मेहनत करें, मेहनत करके एक नेटवर्क खड़ा करें, एक टीम खड़ी करें और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपका नेटवर्क कोलैप्स कर जाता है या फिर वो लोग कहीं किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो ये समस्याएं क्यों होती हैं? इसके पीछे लीडरशिप जिम्मेदार है। तो आप इस सेशन को बहुत ध्यान से अटेंड करिएगा और हर थोड़ी देर बाद, लगभग हर 15-20 मिनट बाद इस सेशन के आप लोगों के साथ क्विज सेशन होगा। तो हम 15-20 मिनट में क्विज का सेशन करेंगे और क्विज इस बार सरबजीत जी लेंगे जब, तो हर एक व्यक्ति को एक एक क्वेश्चन तैयार करना है। एक क्वेश्चन कुछ पूछेगा, एक क्वेश्चन रमणीक जी पूछेंगे, एक क्वेश्चन सुमित जी पूछेंगे, एक क्वेश्चन संजय जी पूछेंगे, एक क्वेश्चन सरबजीत जी पूछेंगे, एक क्वेश्चन सुग्रीव पूछेगा, यानी जो भी आगे की टॉप लाइन में मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं आपको ये क्वेश्चन पूछने हैं सबसे। और सबको डायरीज मेरे पास यहां पे 10-12 रख देना जब क्विज शुरू होगी, मैं उस डायरी पे आपको अपनी गुड विशेस के साथ साइन करके आपको एक डायरी दूंगा। उस डायरी में मेरी शुभकामनाएं होंगी आपके लिए, मेरी दुआएं होंगी आपके लिए, उस ईश्वर से की हुई प्रार्थना होगी कि आप दिन दोनी रात चौगनी तरक्की करें, आपके सारे सपने पूरे हों, आप स्वार्थ से पैसे कमाएं और परमार्थ पे आपकी कृपा हो, मेरी आपके लिए दुआएं होंगी। कि जब हम ग्लेज में आए थे उस समय जो हमने विजन देखा था इस बिजनेस का, ये बिजनेस हमें कहां तक ले जा सकता है, ये किस तरह का बिजनेस है और इसमें किस तरह की संभावनाएं हैं, इसमें जो इनकम आएगी वो कैसे आएगी, किस कारण से आएगी, किस लॉजिक से आएगी, ये आप लोगों ने जरूर समझा होगा। कैसे हमारी डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान को रिप्लेस करती है ये आपने जरूर समझा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक बार फिर इसे समझाने का प्रयास करता हूं। कई बार विजन गायब हो जाता है। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान के अंदर जो एक कस्टमर है, ये कस्टमर जब अपने घर के जरूरी सामान प्रोडक्ट्स को खरीदने जाता है तो कहां जाता है? आसपास के किसी दुकानदार के पास, जिसे आप बोलते हैं रिटेलर। ये रिटेलर
जो उसके घर के आसपास की कोई दुकान है, उसने अपनी दुकान में जो माल भरा हुआ है, ये रिटेलर वो प्रोडक्ट कहां से लेके आता है? होलसेलर से। और ये होलसेलर अपने पास जो माल लाता है वो किससे लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर ये माल किससे लाता है? मैन्युफैक्चरर से। ये मैन्युफैक्चरर इस कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट इस रिटेलर के पास आया है, सहारा लेता है विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट का। भाई इसके पास कोई एक्स ब्रांड का साबुन आया है तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा? वो इस रिटेलर के पास जाके कैसे मांगेगा मुझे एक्स ब्रांड का साबुन दे दो? तो एक्स ब्रांड का साबुन तभी मांगेगा जब विज्ञापन किया जाएगा, उसके लिए जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी मदद से विज्ञापन किया जाता है। उसके अलावा ये मैन्युफैक्चरर एक सेल टीम भी लगाता है जो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सपोर्ट करती है। और इस तरीके से एक प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरर से चलता है 50 रुपीज का, तो कस्टमर तक आते आते लगभग 100 रुपीज का हो जाता है। और ये फार्मूला ज्यादातर प्रोडक्ट में अप्लाई होता है। अब ये जो लोग हैं रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इनको हम मिडलमैन कहते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाने का होता है और ये प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इन तीनों में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? डिस्ट्रीब्यूटर। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था जो इस कस्टमर ने 100 रुपए का खरीदा, कितने का खरीदा? ये जो रिटेलर है इस प्रोडक्ट के ऊपर रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में सबसे ज्यादा मार्जिन किसके पास होगा? रिटेलर के पास। हो सकता है ये जो साबुन है ये इस रिटेलर को 80 रुपए का मिलाओ और इसने आगे 100 रुपए का बेचा, ठीक। उसके बाद उससे कम मार्जिन किसके पास होता है? होलसेलर के पास। रिटेलर के पास कितने रुपए का मार्जिन था? हो सकता है होलसेलर के पास सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का मार्जिन। कितने का मार्जिन हो? 5 रुपए का मार्जिन हो। और यानी इस होलसेलर को ये साबुन कितने का पड़ा? 75 रुपए का। उसके बाद कौन आता है? डिस्ट्रीब्यूटर। और इसके पास मार्जिन सबसे कम होता है, हो सकता है 1 रुपए। यानी हो सकता है इसको 74 रुपीज का ये साबुन आया हो और बाकी का खर्चा विज्ञापन में और सेल टीम में हो जाता है। क्लियर है? अब मैं आपसे फिर से दोबारा सवाल पूछता हूं, रिटेलर का मार्जिन 20 रुपए, होलसेलर का मार्जिन 5 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन 1 रुपए, और इन तीनों में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है। आपने एक सुर में बोला सबसे ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है। मेरा सवाल क्यों? उसके पास ज्यादा होलसेलर वाले सामान ले रहे हैं, क्योंकि ये जो रिटेलर है हो सकता है इसको आसपास से मोहल्ले से सिर्फ 100 कस्टमर आते हो। कितने कस्टमर? और इसीलिए ये 100 × 20 2000 रुपए कमाता हो, ठीक। लेकिन ये जो होलसेलर है इस होलसेलर के पास कितने रिटेलर होंगे? हो सकता है इस होलसेलर पर ऐसे ऐसे 100 रिटेलर या 150 रिटेलर या 200 रिटेलर इससे माल लेते हो, क्योंकि रिटेलर की दुकान कहां खुली होती है? गली में, मोहल्ले में, इधर उधर। पर शहर में कोई एक आधा होलसेलर होता है या दो होलसेलर होते हैं, मानते हैं आप ये बात? तो मान लीजिए 150 रिटेलर
इस होलसेलर से क्या करते हैं, सामान लेते हैं, और हर रिटेलर के पास 100 कस्टमर हैं, तो इस होलसेलर के कितने कस्टमर हुए, 150 इंटू 100 कितने, 15,000 कस्टमर हुए, कितने कस्टमर हुए, और हर कस्टमर से इसको कितना मिल रहा है, 15,000 इंटू 5 यानी इसकी कमाई क्या हुई, 75,000 रुपए। मार्जिन इसका कम है लेकिन कस्टमर ज्यादा है इसलिए कमाई भी ज्यादा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक स्टेट का होता है, एक स्टेट में अगर स्टेट बड़ी है तो ज्यादा 5-7-10 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, नहीं तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जनरली एक स्टेट में एक ही होता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। पर ये क्लियर है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसे कई सौ होलसेलर होते हैं, 200-300, क्योंकि हर शहर में 5-4-2-3 होलसेलर होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास 100 होलसेलर है, कितने होलसेलर हैं, अगर 100 होलसेलर हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 1500 कस्टमर हैं, कितने कस्टमर हैं, तो टोटल इसके पास कितने हो गए, 15,000 कस्टमर, और 100 होलसेलर अगर इसके पास है तो 100 × 15,000 कितने कस्टमर हो गए, 1,500,000 कस्टमर, और 1,500,000 कस्टमर से अगर 1 रुपया आएगा तो इसकी कमाई होगी 1,500,000 रुपए। यानी कि इस पूरे सिस्टम में ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर हम बात करें तो एक डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए पैसा कमाता है क्योंकि उसके पास कस्टमर की संख्या ज्यादा है। पर अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, ये जो 1,500,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है इसके लिए कितने लोग नीचे काम कर रहे हैं, अगर मैं दुकानदारों के स्ट्रक्चर के हिसाब से करूं तो कुल कितने, 150 रिटेलर काम कर रहे हैं और 100 होलसेलर काम कर रहे हैं, तो इसका भी एक नेटवर्क है, किसका, होलसेलर का, और आगे हर होलसेलर के आगे 100 रिटेलर का, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है। लेकिन वो जो रिटेलर हैं और वो होलसेलर हैं वो अपनी अपनी दुकानें बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से चला रहे हैं, इसलिए ये नेटवर्क कामयाब है और हर महीने यहां कमाई हो रही है। तो अब मैं आता हूं हमारे सिस्टम पे। जब आप लोगों ने ग्लेज को स्टार्ट किया तो उस समय हमारा मकसद था इस सिस्टम को रिप्लेस करके हमारा सिस्टम बनाना, ठीक, इस सिस्टम को रिप्लेस करके हमारा सिस्टम बनाना। लेकिन हमारा सिस्टम कैसे बनेगा, अब हमारा सिस्टम कैसा है, हमारा सिस्टम है आप लोग 6 डायरेक्ट्स बनाते हैं, आप ये डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं, फिर ये लोग आगे नेटवर्क बनाते हैं, और ये नेटवर्क हमारा चलता हुआ शहर क्रॉस करता है, गांव क्रॉस करता है, स्टेट क्रॉस करता है, और धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता है और जल्दी पूरे विश्व में भी फैलेगा, ठीक। और ये जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं इनके साथ दो बातें हैं, नंबर एक ये हमारे कस्टमर भी हैं और यही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, और हमारा जो पैसा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर विज्ञापन सेल्स टीम से बचता है वो पैसा प्लान के थ्रू इन्हीं लोगों में बांट दिया जाता है, ये हमारा रिप्लेसमेंट प्लान है। तो जब आप लोग भी इस प्लान को बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो मैं आपको आज एक सही डेफिनेशन दे रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग लोगों का नेटवर्क बनाने का बिजनेस नहीं है, ग्रेट नेटवर्क, जो ग्रेट नेटवर्कर्स होते हैं, जो डायरेक्ट
जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो हिंदी में समझाऊं तो ऐसे कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों का ट्री बनाने का बिजनेस नहीं है, लीडर्स का ट्री बनाने का बिजनेस है। यानी आपने ट्री तो बनाया मगर आप अकेले लीडर हैं। जो लीडर होगा मैं उस पर स्टार लगा दूंगा। ये पहला लीडर है आप जिसने ट्री शुरू किया। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद लीडर्स आइडेंटिफाई नहीं करते और आपके यहां लीडर्स टाइमली नहीं बनते, अगर आपके यहां ये लीडर्स टाइमली नहीं बनते, ये लीडर ये लीडर ये लीडर ये लीडर ये लीडर ये लीडर ये लीडर, तो आपका ट्री कभी भी कोलैप्स कर जाएगा। तो जिन लोगों के नेटवर्क में लीडर डेवलप करने का प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, जहां पे लोगों को लीडर्स नहीं बनाया जाता है, जहां लीडर डेवलपमेंट नहीं होती है, उनके ट्री की उम्र लंबी नहीं होती है। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर था पिछले चार्ट में, उसके आगे होलसेलर ना होते, होलसेलर के आगे रिटेलर ना होते जो अपने अपने कामों को अपनी बड़ी खूबियों से संभालते, तो क्या वो 15 लाख कस्टमर को डील कर सकता था? खाली उस सिस्टम में नहीं, किसी भी कंपनी के अंदर नहीं, किसी भी कॉर्पोरेट सिस्टम में नहीं। जब तक ये स्टार्स नहीं होते हैं तब तक बड़े नेटवर्क नहीं चल सकते। आपको ये क्रिएट करने ही पड़ते हैं। आज का सेशन इसी के बारे में है सर। आपको क्या लगता है, अगर टाटा ग्रुप की कोई कंपनी है जिसमें 1000 इंप्लॉई है, तो उसमें खाली एक आदमी होता है जो सबसे ऊपर बैठा होता है, या नीचे लेवल्स क्रिएट किए जाते हैं? किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? कौन से लेवल क्रिएट किए जाते हैं? सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले सीईओ होता है। हमारे भी सीईओ साहब बैठे हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट हेड के आगे मैनेजर्स होते हैं, फिर सुपरवाइजर होते हैं। ये सब कौन है? ये वही स्टार्स हैं जो मैंने यहां बनाए, जो 1000 लोगों की वर्क फोर्स को हैंडल करते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे नेटवर्क में ये लीडर कैसे बनते हैं, किन लोगों के नेटवर्क्स में लीडर डुप्लीकेट होते हैं, उसका क्या तरीका है, अब हम इस सेशन में उसकी बात करेंगे। क्लियर है? मिशन क्लियर हो गया अगले सेशन का?